हेलो फ्रेंड, मेरा नाम बाबला ढिल्लो। आज मेरे पास एक ये बोर्ड है, ATM30 PV818। इसमें हम USB to USB सॉफ्टवेयर डालेंगे, तो USB to USB मैं इसे रिकवर करूँगा। तो मैं बताता हूँ कैसे कवर करना है इसे। ये मैंने अपने बोर्ड में कोई सप्लाई नहीं देनी इसे, तो मैंने अपना बोर्ड यहाँ पर रख दिया। तो अब मुझे अपने डेस्कटॉप पर जाना है। उसमें क्या करना है, सबसे पहले वर्निंग टूल ओपन करना है। वर्निंग टूल ओपन करते ही यस, और मेरा वर्निंग टूल ओपन हो चुका है। तो मुझे अब क्या करना है, फाइल पर ओपन और इमेज फाइल। तो मुझे इमेज फाइल सेलेक्ट करनी है अपनी, ऑल अपग्रेड ओपन। तो ये मेरी फाइल लोड हो रही है। अब ये फाइल मेरी लोड हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, स्टार्ट स्टार्ट देते ही मुझे यूएसपी में लगा देनी है कुछ सेकेंडों में। ये देखिए, अब मेरा बोर्ड बूट होना शुरू हो गया। ये देखिए फ्रेंड, मेरी सॉफ्टवेयर अपडेट होना शुरू हो गया। ये देखिए मैंने इसे कैसे कनेक्ट किया है USB to USB, और कोई वायर कनेक्ट नहीं की इसे। एक ओनली कीपैड लगाया साथ में। ये देखिए फ्रेंड, मेरा सॉफ्टवेयर रन हो रहा है, बूट हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड, मेरा सॉफ्टवेयर 100% हो चुका है। तो अब आप अपने बोर्ड को चेक कर देखिए, मैंने यूएसबी से डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं अभी अपने टेस्टर से लगा रहा हूँ। ये देखिए फ्रेंड, मेरा बोर्ड बिल्कुल ओके हो चुका है। इस बोर्ड में प्रॉब्लम क्या था, ये नो पिक्चर था। बोर्ड ऑन होता था लेकिन नो पिक्चर था, बिल्कुल आगे कोई पिक्चर नहीं आती थी। तो मैंने पेन ड्राइव से काफ़ी ट्राई किया, पेन ड्राइव से कोई सॉफ्टवेयर से उठाया नहीं। तो उसके बाद मैंने यूएसबी से इसे रिकवर किया है।